आज इस वीडियो में आप देखेंगे साधारण ब्याज का ट्रिक्स, किस तरह से ट्रिक से 3 से 4 सेकंड में ही सवालों का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से, तो इस प्रकार से कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जो है वो है n-1(100)t समय। तो इस ट्रिक पर अगर हम बैठाएंगे तो कुछ ही 5 से 3 से 4 सेकंड में ही आप आंसर ला जाएंगे। ये था ट्रिक का महत्वपूर्ण। तो देखते हैं एन वहाँ कितने गुने से आपको करना है। एन का मतलब पे 2-1 (10 वर्ष)/10(100)। तो इसको हल करेंगे तो 1/10(100)। ये 0-0 कटाएंगे तो मेरा जो है ब्याज की दर वो आर जो है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बच गया 10%, तो मेरा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों अगर मैं तो बता रहा हूँ इसलिए इतना समय नहीं, तो आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन करा है कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे समय निकालना है दोस्तों, समय। तो इसका जो ट्रिक है, ट्रिक जो है बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ट्रिक है कि n-1(100)/r। तो n जो है वो गुना, कितना गुना यहाँ पे दर्शाया गया उसके स्थान पे आपको रखना है। तो इस पे अगर हम रखेंगे तो कुछ ही गुना, 4 गुना, तो यहाँ पे 4-1(100)/100 और बट्टे में जो वार्षिक दर दिया गया है 5%, तो यहाँ पे बट्टे में 5% लिखेंगे और इसको जैसे ही हल करेंगे तो 3/5×100। अगर इसको कटाएंगे तो 55 से 100 = 60 वर्ष, तो 60 वर्ष उत्तर में आए। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण, आज के वीडियो में बस इतना है। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नया वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।